दिनदहाड़े अस्पताल प्लांट की ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, दूसरी बार भी आया चोरी करने। ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी लाइन नहीं दौड़ा ऑक्सीजन, वार्ड तक नहीं पहुंची ऑक्सीजन तब हुआ खुलासा। आरएमओ का बेतुका बयान, ऑक्सीजन लाइन का छोटा सा टुकड़ा चोरी होने की बात कहकर झाड़ लिया पड़ला। शिवपुरी जिला अस्पताल अपूरी तरीके से असुरक्षित हो गया है। यहाँ रोज कोई ना कोई चोरी की वारदातें हो रही हैं। अस्पताल में हो रही लगातार चोरी के क्रम में एक चोर ने ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की जाने वाली पाइपलाइन चोरी कर ली। चोरी की इस घटना का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के स्टाफ ने टेस्टिंग के लिए ऑक्सीजन प्लांट चालू किया और ऑक्सीजन वार्ड तक पहुंचने के बजाय हवा में फैलने लगी। जब स्टाफ ने छत पर जाकर देखा तो पूरी पाइपलाइन गायब थी। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि 7 से 8 बजे बीच एक चोर प्लेग्राउंड की तरफ अस्पताल की छत पर चढ़ा और उसने पाइपलाइन को अस्पताल से तोड़कर बायोगैस मटेरियल एकत्रित करने वाली थैली में रखा और वहां से चला गया। आपको बता दें कि चोर इस घटना को अंजाम देने के बाद एक बार फिर वहां से चोरी करने आया। वहीं कानूनों की जानकारों की माने तो ऑक्सीजन पाइपलाइन की चोरी सिर्फ एक सामान्य चोरी नहीं है बल्कि ये जानलेवाकृत है, क्योंकि पाइपलाइन काटे जाने से जरूरतमंद मरीज की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। इससे कई मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इस चोरी की घटना को सामान्य मानते हुए पुलिस में चोरी की घटना का आवेदन दिया गया है। वहीं प्रभारी आरएमओ ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि ऑक्सीजन लाइन का छोटा सा टुकड़ा चोरी हुआ है, मामला संज्ञान में आया है, हमने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है। ये लगातार चोरियां क्यों हो रही हैं ये जांच का विषय है और हम इसकी जांच करवाएंगे। ऑक्सीजन लाइन चोरी बोल रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा चोरी हुआ है उसका, उसके लिए हम अपनी वीडियो कॉल निकाल रहे हैं, उसकी पुलिस एफआईआर कर रहे हैं। सर, इससे पहले भी ऑक्सीजन लाइन चोरी हुई है तो क्या कोई सुनियोजित तरीके से इस तरह की चोरी की जाती है? अब ऐसा तो नहीं है, इस सबका पड़ताल तो पुलिस करेगी, अपने एफआईआर कर रहे हैं जी। और कल वाली चोरी पहले भी हुई थी, मतलब इससे पहले भी ऑक्सीजन लाइन चोरी चली गई थी, कल और ज़्यादा हुई है? इस बारे में मुझे नहीं पता, कल के बारे में मुझे मालूम है।